Hare
فلم يشهدوا كيتنا قرنا شكنا في دول عاشين سربتوا بمنتم فاشعبي قاندوا مريكشن سمنتا بيتكان لك جودي مكرمين وما كرم وَمَاسْيَ مِشْوَاسْيَ بَرَمْ لِلْعَالَمْ وَمَاسْيَ يَشَاشْ وَفَدَرْ بَدُوْتَ سَنَاكَ نَسْوَمْ قُرْهُ مَتُوْمِي أَنَا بِمَدْحَانْ جَمَنَنْ شفي سوريا ليتنا أشعامي بامديك هدى شبطن سوبي لزاوي سوبي لن أغنطن جاوك بديو جيب من كرمي بيابتن ويكي نبي شسك سروا إشتاك بوطنبوك ومبيان كبيرا نوكت كيانك جريكم مراتما عميق وانسور شمراء زنبي شجانك
गीता जी का पाठ नौवा अध्याय प्रारंभ से श्लोक संख्या 10 तक। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुरमादनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु श्री भगवान वाच वेदांतो ते गुह्यतम तवक्ष्याम्यनसूयरे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे सुभात् राजविद्या राजगुह्यम् पवित्रमिदमुत्तम प्रत्यक्षावगम भव्यम सुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमानिवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि
मया तमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मस्तानि सर्वभूतानि मुचाहन्ते स्ववस्थितः नतमस्तानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावना यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिपाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्मामवस्तव्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णमवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निवात्मन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीन मसक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरण Hare 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 Hare
प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसदास जी महाराज द्वारा दिनांक 17 दिसंबर 1993 प्रातः लगभग 5 बजे कलकत्ता में हुआ। राम 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 विशेष ध्यान देने की बात यह है कि पारमार्थिक मार्ग में भाव और विवेक की जरूरत है। भाव मानो प्रेम, भगवान की आस्तिकता, भगवान है वे मेरे हैं प्रेम, और विवेक ज्ञान मार्ग में और योग मार्ग में, ये विवेक है मुख्य। मनुष्य असत नित्य अनित्य ऐसे कर्तव्य अकर्तव्य, ये विवेक है। तो खास बात यह है कि परमात्म तत्व प्राप्ति में ये विशेष ध्यान है कि नित्य प्राप्त की प्राप्ति करना है और नित्य निवृत्ति की निवृत्ति करना है। ये सिद्धांत मान लेते बड़े लाभ की बात है। इसमें क्रिया की जरूरत नहीं है, क्रिया आप साफ होती है, होगी और वो भी लाभदायक है, परंतु खास इसमें विवेक है। ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग में भाव है, भाव मानो प्रेम भाव, वो अपनापन, और प्रेम प्रकट होता है वो क्रिया से नहीं होता है। ये बात विशेष ध्यान देने की है, प्रेम अपनापन से होता है, क्रिया से प्रेम प्रगति होता है, क्रिया से अभ्यास होता है, अभ्यास से पहली अवस्था से दूसरी अवस्था होती है, अवस्था अतीत नहीं हो सकता, ये दूसरी अवस्था बन जाएगी अभ्यास से। मन तत्व ज्ञान नहीं होगा, हम ये कह दी जाते राम राम गण छोड़ दोगे, ऊंधा अर्थ नहीं करना इसका, इसमें गहरा समझो। तो भाव की आवश्यकता है, प्रेम भाव है, प्रेम भगवान अपने हैं, वो प्रेम प्रकट होता है अपनापन से, अपना कपड़ा अच्छा लगता है, अपनी जूती भी अपनी अच्छी लगती है, अपनी चीज अच्छी लगती है। बेईमान की बात नहीं कहता हूँ, ईमानदार की बात कहता हूँ, अपनी अच्छी लगेगी, दूसरी कितनी बढ़िया तो अपनी अच्छी नहीं लगेगी। सोर डाकू मैं बात नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ सज्जन की बात कहता हूँ। तो वो अपनापन से प्रेम होता है, उसमें सहायक जप है, ध्यान है, कीर्तन, सत्संग, स्वाध्याय, सब सहयोगी साधन होते हैं, मूल में चीज ये है। और ज्ञान योग की, कर्म योग की सिद्धि विवेक से होती है। विवेक पूर्व त्याग होता है कर्मयोग हो जाता है, और विवेक और त्याग होता है ज्ञान योग हो जाता है। तो ज्ञान योग कहते हैं ज्ञान योग, ज्ञान का मैं समझ गई सत्य सत क्या है, निरंतर अलग अलग समझना, कर्म में कर्तव्य अकर्तव्य समझना, जो इन बातों को समझ ले तो काम हो जाता है। अकारी कारण है ज्ञान योग में भी, कर्म योग में भी, भक्ति योग में भी, सहयोग साधन है, ये स्वतंत्र नहीं है। कर्म योग स्वतंत्र है, कर्म स्वतंत्र नहीं है। योग भक्ति, भक्ति भी कार्य क्रिया में हो सकती है, भक्ति योग स्वतंत्र है, ऐसे ज्ञान योग स्वतंत्र है। ज्ञान स्वतंत्र नहीं है, भक्ति स्वतंत्र नहीं है, कर्म स्वतंत्र नहीं है, योग मिलने से होता है। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, योग नाम समता, समतम योग उचित है। तो कर्मा में समता तो कर्मयोग सिद्ध हो जाएगा, ज्ञान योग में समता ज्ञान योग सिद्ध हो जाएगा, भक्ति योग में समता भक्ति योग सिद्ध हो जाएगा। भक्ति योग में एक विलक्षण बात है, भगवान की कृपा है, वो शुद्ध सिद्ध होने में संदेह नहीं है, वो सरल है और बढ़िया है और उत्तम है, बड़ा पवित्र है। पर योग होना चाहिए उसमें भी,
सिद्धि असिद्धि में सम, ये समता कर्मियों की वो में समता सब में है। गीता में देखा जाए तो समता पर ही जोर है, एक समता आ गई तो दूसरा लक्षण आओ मैं तो सिद्ध हो जाएगा वो, दूसरा लक्षण आ गए समता नहीं आई तो सिद्ध नहीं होगा, ये सार बात है। तो समता क्या, राग द्वेष नहीं हो, हरक शोक नहीं हो, हरक शोक राग द्वेष ये नहीं हो, वो समय सिद्धि सिद्धि समो भूत हुआ तो कब होगा, फलन त्यक्त हुआ संगम त्यक्त हुआ योगस्थ गुरु रमणी संगम त्यक्त हुआ सिद्धि सिद्धि समो भूत हुआ समतुम योग उच्यते। तो योग सब योग सिद्ध समता से होते हैं, जितने ये लय योग हट योग राज योग मंत्र योग जो योग है कर्म योग ज्ञान योग असती योग 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 नाम समता का। योग के तीन अर्थ होते हैं, एक समता होती है, एक स्थिरता होती है, एक महत्ता होती है। भगवान कहते हैं पश्चिम में योग में इस हुआ महत्ता है प्रभुता है, और सिद्धि सिद्धि शोक होता है या राग द्वेष रहित होना है, और भगवान से संबंध उसका नाम योग है। दुख से योग भी योग हूँ योग संगीता हूँ संसार से भी योग भगवान से योग। तो ये मार्ग सबसे पहले तो अपना मार्ग कौन सा है वो तय करके उस अनुसार से चलो। भक्ति योग है तो भगवान की कृपा पर सहारा, भगवान की शरणागति ले लो, भगवान की शीघ्रति स्वीकार के भगवान का हूँ तो भगवान का हूँ इसलिए काम दूजे होंगे। जैसे आपकी लड़की है तो वो कुमारी हूँ वह भक्त में और तरह का श्रृंगार होता है, विवाहित श्रृंगार और होता है, विधवा श्रृंगार और होता है, वो आप ही होता है। भीतर मैं सुमंगन हूँ, मैं कुमारी हूँ, मैं विधवा हूँ, यही पर सुमंगन सब सब काम ठीक होगा। जैसे मैं गर्भ योगी हूँ, ज्ञान योगी हूँ, भक्ति योगी हूँ, साथ में सब आ जाएंगे तो मुख्य एक रहेगा, सब में शांति मिलती है, सब में समता आती है, सब में शांति मिलती है। कर्मयोग में शांति पहली खास शांति है, जड़ता के संबंध से अशांति होती है। जड़ चीज उत्पत्ति विनाशशील है, पदार्थ और क्रिया, क्रिया का भी आरंभ होता है अंत होता है, पदार्थ भी उत्पन्न हो रहे नष्ट होते हैं, शरीर उत्पन्न हो नष्ट होते हैं, ये उत्पत्ति विनाशशील है। ऐसे क्रिया आरंभ होती है, क्रिया का अंत होता है, तो क्रिया और पदार्थ ये दो प्रकृति का कार्य है। तो प्रकृति के कार्य में समता होने से परमात्मा मिल जाएगा, संसार में समता हो तो प्रलय हो जाएगा। जो आज उद्योग है सब समता करो, मनु प्रलय करो, नाश करो, शैतान नाश करो, वो नहीं है। राग द्वेष नहीं रहे, हर शोक न हो, ये समता है, इसकी आवश्यकता है। तो समतम योग उच्यते, दो जगह परिभाषा करी है, दुख संयोग वियोग योग संगतम, संसार के संयोग का वियोग हो जाए वो योग है, समता का नाम योग है, समतम योग उच्यते। ये कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग साधन है, सिद्धि हो जाती है इसमें, परमात्मा को प्राप्ति हो जाती है, वो गुणा गुणातीत हो जाता है, वो भगवत भक्त हो जाता है, वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है, प्रज्ञा जैसी स्थिर हो गई है। कर्म योग से स्थित प्रज्ञ होता है, भक्ति योग से भक्त होता है, ज्ञान योग से ज्ञातीत होता है, लक्षण आए गीता में। तो इस तरह से अपने योग को सिद्ध करो, सिद्धि असिद्धि में समरो, सिद्धि असिद्धि हाथ की बात नहीं है, कर्तव्य कर्म करना अपने हाथ की बात है, सिद्ध होना बिना त्याग के क्षमता नहीं आएगी। त्याग शांति अनंतरम, त्याग क्या है, त्याग क्या करना है, जो हमारा त्याग करना है उसी का त्याग करना है, जो हमारा त्याग कर रहा है उसी का त्याग करना है, नहीं वृत्त नहीं है। शरीर हमारा त्याग कर रहा है, पदार्थ हमारा त्याग कर रहे हैं, कुटुंब हमारा त्याग कर रहा है, द्रव्य हमारा त्याग कर रहा है, मान बड़े त्याग कर रहा है, सब जा रहे हैं हमारे से, इसे त्याग कर देना, मन ये चना रखना, सीधी सती बात है, त्याग हो रहा है। प्राप्त क्या करना है, जो नित्य प्राप्त है, परमात्मा नित्य प्राप्त है, आत्मा स्वरूप नित्य प्राप्त है, ज्ञान में आत्मस्वरूप प्राप्त करना है,
भक्ति से भगवत स्वरूप को प्राप्त करना है और कर्मयोग से समता को शांति को जो प्राप्त है संघर्ष को प्राप्त करना है। नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है, नित्य अप्राप्त है जा रहा है उसको जन सो देना है, त्याग कर देना है। तो त्याग क्या बेईमानी का त्याग, और कुछ त्याग नहीं, बेईमानी का त्याग। अरे साधु हुए बेईमानी का त्याग नहीं करते और क्या करो साधन, जो डाकू है चोर है वही रखा है बेईमानी, तो बेईमानी का त्याग नहीं किया साधु क्या बोला। तो ये सब त्याग करना है कि इच्छा का, भोगों की इच्छा का, पदार्थों का करने का, भोगने का, संग्रह करने का, वो भी त्याग जो स्वरूप से ही नहीं है, खास तो भीतर में आसक्ति है, कामना है, प्रियता है, उस प्रियता का त्याग करना है। जब पदार्थों में प्रियता है, खिंचाव है, इसका त्याग करना है, फिर सब ठीक है। जहां रहोग आनंद हो जाएगा, जिस तरह रहोग आनंद हो जाएगा, ये एक चीज है खास। ऐसा तो चल पड़ेगा सतही स्वाभाविक, जो जा रहा है उसको छुट्टी दे दो, मैं एक साधन बताऊ छुट्टी दे दो, सब शरीर को भी, कुटुंब को भी, धन को भी, घर को भी, सब छुट्टी दे दो, अपने तुम छुट्टी हो गई, मुक्त हो जाओगे। उनको छुट्टी नहीं, आपको छुट्टी मिल जाएगी, यानी छुट्टी नहीं देगा आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, बंधन होगा आपको, यानी छुट्टी दे दो आपको छुट्टी मिल जाएगी, सर्वदा छुट्टी दे दो, मुक्त जीवन मुक्त हो जाओ, छुट्टी दे दो, ठीक है भाई। बेटा मन हुआ नहीं, बेटे को छुट्टी दे दो, शरीर नहीं मान शरीर को छुट्टी दे दो, धन मन हुआ धन को छुट्टी दे दो, छुट्टी दे दो। ऋषिकेश में संत आए थे, मारा भिक्षा करो, तो आज हमने छुट्टी कर दी, एकादशी दिन आज छुट्टी कर दी, इसका काम कर दे तो आज छुट्टी देते, खाना पीना न पचाना करना है छुट्टी, आज पेप्सी पेप्सी बंद कर दी, आज छुट्टी कर दी, छुट्टी कर दी, बस जब इधर तो छुट्टी कर दो, आप ही चलते हो, चलाते नहीं हो, चलाते हैं उसे छुट्टी, चलाते हैं उसे छुट्टी, आप ही बिगड़ गए, नाड़ियां भी चलेगी, श्वास भी चलेगे, आंख भी छुटी, ये भी चलेगे, ये चलते अपने छुट्टी देती, फिर गुणा गुणेश वर्तन थे यदि भक्तवा न सच थे, इंद्रिया इंद्रिया वर्तन थे यदि भक्तवा न सच थे, गुणा नान्य गुणे वे करता रहो, स्वभाव तो प्रवर्त थे, आप साफ हो रहा है, जो कर्तव्य अभिमान मिटा ज्ञानी हो गया, सीधी बात है। अहंकार भी मुद आत्मा करता हम इतनी मान्य थे, मानता है करता नहीं माना मिट गया, मानता है बन गया, मना मानता मिट गया, सीधी सीधी गीता जी का ज्ञान बड़ा सीधा सरल, सबके समझ में आ जाए एकदम, समझ हो कुछ हरदम समता में रहे, समता में रहे। यही तैर्थ सर्गो ये शाम साम्य स्थित मन, ये शाम मन साम्य स्थित, जिनका मन समता में स्थित हो गया, तेई यही वो सर्ग जीता, यहाँ जीवित अवस्था में ही संसार वो जीता है, समता नहीं आई तो संसार जीत गया, उसको संसार खा जाएगा, समता है कि संसार को जीत गए हो, सब संसार को दुनिया मात्र को, यही तैर्थ सर्ग ये शाम साम्य स्थित, निर्दोष है ब्रह्म, अगर निर्दोष और सम है, उसका मन सम और निर्दोष हो गया, तस्वीर भी मिनती स्थित स्थित हो गया, ये बात है। ब्रह्म में स्थित हो जाओ तो समता आ जाएगी, समता में स्थित हो जाओ ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, चाहे उसको कर लो, समता चाहिए असली, कितनी बढ़िया चीज है, साम्य से तक माना निर्दोष में समय तस्मात मिलती से था, न प्रेषित प्रेम प्राप्य नोचित प्राप्त सो दुखेशु दुखेश मना सुखेश व्यक्तस्मृह, दुखेश मना सुखेश व्यक्तस्मृह, विविधेच्छा भय क्रोध हो, विविध राग भय क्रोध है, यह सदा मुक्ति
इतना साफ है अपना तो आने जाने वाले हैं वो छोड़ दे, रहने वाले से वो पकड़ लेती बात है, जाने वाला है, जाने वाले का विभाग है, रहने वाले का विभाग है, जाने वाले को कुछ चाहो, जाने वाले को जाने दो, खुद लगा दो छुट्टी दे दो, रहने वाले को अपने आप ही रह जाएगा, वो जाएगा ही नहीं, इस बात का यह नहीं यह नहीं यह नहीं हो ही ताप है परे अगम है सोई, यह नहीं यह नहीं यह नहीं मन सत्वर दम नहीं तीन बार, यह नहीं यह नहीं यह नहीं हो ही ताके परे अगम है सोई, हो जाएगा हो जाएगा, शिष्य ते शेष संज्ञा शेष होता शेष मन बाकी रहता है, बाकी वही रहेगा, रहने वाला बाकी रहेगा, जाने वाला चला जाएगा, जाने वाला तो चला जाएगा, रहने वाला बाकी रह जाएगा, रह जाए उसे हमारा मतलब है, जाने वाले का मतलब नहीं है, ये तो जाने ही वाला है। छोटा बहन से 22 अंक लड़े रहा तो आप घरे जाने वाली है, तो ये 22 है आप घरे जाइए तो आपके पास रहे नहीं जी, 22 है दाई दूध दे दो जाओ भाई साहब पधारो आप घरे पधारो जयराम जी कैसे जाने वाली है, जाने वाले छुट्टी दे दो पकड़ को रह जाए, धन भी रह जाए, जवाई जवानी रह जाए, निरोगता रह जाए, शरीर रह जाए, क्यों ना तकलीफ तो ये जरूरत है नहीं तो अपने माल न घुमाना है, और खुद से हाथ की आड़ो भी है कोरो माल न घुमाना है, अपनी इज्जत खोनी है, क्यों इज्जत खो है छुट्टी दे जाओ रहे तो मौज जावे तो मौज, अपने छुट्टी दे दी अपनी तरफ रह दो, रहे तो मौज है जावे तो मौज, क्यों बंद है इनको समझता है कि मैं धर्म बैठा करूं, ये फंसता है खुद स्वतंत्र हो जाऊंगा, इसलिए मान परतंत्र होता है, ये दशा है महाराज, दशा है गुणा गुणेशु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, त्यागात् शान्तिरनन्तरम्, अरे त्याग संसार क्या प्रति पिछा कोई त्याग कर दो शांति मिलती है, साफ हो गए साफ हो गए निरोग हो जाएगी, त्याग से सर्वथा निरोग हो जाएगा, रखना चाहे रहेगा तो है नहीं गुण बंधन बंधन रहेगा और रहेगा कुछ नहीं, धन भी रहेगा नहीं, परिवार भी रहेगा नहीं, घर भी रहेगा नहीं, इज्जत भी रहेगी नहीं, रहेगा नहीं, रखने रखनी इच्छा है तो बंधन रह जाएगा, बंधन और कुछ नहीं, बंधन बंधन शेष बाकी रहेगा, तो बंधन हो तो रखने चेष्टा करो, क्या इच्छा रखो, खुला हो तो खुला हो, छुट्टी दे तो खुले हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे, खुला होना कह लो मुक्त करना एक ही बात है, आनंद ही आनंद हो जाएगा, मौज ही मौज हो जाएगा, खुशी खुशी हो जाएगा, कैसी बढ़िया बात है, एकदम ठीक बात है। स्वामी जी बड़े शहरों में जाकर आप प्रवचन देते हैं, छोटे गांव में जाकर के प्रवचन देने दे सकता हूँ, बड़े गांव में आप प्रवचन देते हैं नहीं देते, मतलब नहीं देते, आपको क्या पता, आप शहर में रहने वाले छोटे गांव में रहने वाले हो, आप छोटे गांव में रहते हो शहर में रहते हो बताओ, आप छोटे गांव में रहते हो शहर में रहते हो, तो शहर में आपको दिखता गांव में जाओ, गांव वालों से पूछो, गांव में नहीं देता हूँ कैसे कहा आपने, गांव वालों से पूछो, मैं तो गए थे वैसा गांव में किया, वैसे पहले गांव में किया, दो दो महीना रहा हूं मैं, आप शहर में रहे तो आप बोली कि यहाँ ही आ रहे हुए बिंदास गांव है,
तल के मथानी के मथुरा गाँव एक शहर है, तो दो महीना रहता हूँ गाँव में, तो आपके शहर में दो महीने खबर है, बताओ बोलो, सीधे जानकर बोलो, समझ कर बोलो। ये आपस में बात करे तो गए ठग है, जो शहर अपना माल मिले तो डरे हुए, गाँव में कौन जाओ गरीब हर बस बात तो भरे बोले। पूछो इनको कई साल कहा था, चतुर्मास में रुष से पहले कहा था, गांव में था, शहर के लोग आते थे वहां, कई साल भी अभी समझ गए इसमें भी शहर के लोग आते थे, मैं शहर में नहीं जाता, शहर के आते थे वहां, मथानी दूर पड़ता जोधपुर, तो जोधपुर से आते थे, मैं तो गांव में रहता था। आपस में करे ठग है, शहर शहर में माल मिले जाए, काम हो जाए, दुर्भाव ने भेड़ी बोल रहे वहां भेड़ी। अब 22 में कितने वर्ष है बताओ? अच्छा जी मैं दिनेश में 2-3 बार समझ कर लिया गांव में, कल के स्थान 22 वर्ष को नहीं हुए, शहर छोटा है गया हो, बताओ कट जाओ कट रहे वहां।